हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है? आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 61, या फिर हम कह सकते हैं कि ये फोर्थ चैप्टर का नाइन्थ वीडियो है। और आज हमारे पास बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंक्लूजन कंपाउंड्स, या फिर आप हिंदी में भी कह सकते हो इंक्लूजन यौगिक। शुद्ध हिंदी में आप कह सकते हो समावेशन यौगिक। तो इंक्लूजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, नॉर्मली मैं आपको बताता हूं कि मान लो आपके पास कोई भी एक कंपाउंड है। मान लो आपके पास यहां कोई एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स कह दो, इस तरीके से व्यवस्थित हैं आपस में। ये किसी कंपाउंड के बहुत सारे क्या हैं, एटम्स हैं। और उन एटम्स के बीच में जो खाली जगह होती है, जैसे मैं कहूं कि मान लो हमारे पास ये बहुत सारे एटम्स हैं किसी कंपाउंड के, और उन एटम्स के बीच में जो ये खाली जगह आपको दिखाई दे रही है, जैसे ये सारे जो वेकेंट स्पेस आपको दिखाई दे रहे हैं, इन वेकेंट स्पेसेस में यदि कोई दूसरा मॉलिक्यूल आकर अपने आप को फंसा लेता है, जैसे एक मॉलिक्यूल यहाँ फंस गया इनके बीच में, ठीक है, एक मॉलिक्यूल इनके बीच में जो खाली जगह थी उसमें फंस गया, ऐसे ऐसे फंस गया, तो हुआ क्या कि हमारे पास दो अलग अलग तरह के क्या थे, कंपाउंड कह दो या मॉलिक्यूल कह दो। उसमें एक मॉलिक्यूल तो था मॉलिक्यूल ए, जैसे हमने कहा कि ये वाला जो था वो मॉलिक्यूल ए था या कंपाउंड ए था, और ये जो बीच में इसमें खाली जगह में फंसा है वो बी है। तो इन पूरे सिस्टम को या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कहते हैं इंक्लूजन कंपाउंड। तो इंक्लूजन कंपाउंड बिल्कुल ऐसे बनते हैं जैसे जब एक कंपाउंड के बीच में, उसके एटम्स के बीच में जो वेकेंट स्पेस होता है, खाली जगह होती है, उस खाली जगह में कोई दूसरी दूसरे यानी दूसरे कंपाउंड के मॉलिक्यूल आकर फंस जाते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो दो कंपाउंड से मिलकर जो ये कंपाउंड बनता है, दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड से मिलकर जो ये कंपाउंड बनता है, उसे हम कहते हैं इंक्लूजन कंपाउंड। आ रही ना समझ में बात? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैं आपको कहूं कि एक ऐसा बच्चा है जो कभी भी ब्रश नहीं करता है, तो उसके दांतों के बीच में बन जाती हैं बहुत सारी कैविटी, और उन कैविटीज में फंस जाता है बहुत ज्यादा खाना। तो जिस तरह आपके दांतों के अंदर, आपके टीथ्स के अंदर कैविटीज बन जाती है और कैविटीज में आपका खाना फंस जाता है, इसी तरीके से यदि किसी कंपाउंड के एटम्स के बीच में खाली जगह है ना, और उसमें दूसरे मॉलिक्यूल या दूसरे कंपाउंड के मॉलिक्यूल जो छोटे साइज के हैं वे अपने आप को फंसा लेते हैं, उससे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, जटिल यौगिक बनता है, जिस जो दो कंपाउंड के मिलने से बना है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही हम कहते हैं इंक्लूजन कंपाउंड। बताओ समझ में आई क्या बात? हिंदी में जब भी तो कहा समावेशन यौगिक, कि एक यौगिक का दूसरे यौगिक के अंदर समावेशित हो जाना, इंक्लूड हो जाना, समझ रहे? इंक्लूड हो जाने का मतलब प्लस हो जाना, जुड़ जाना, उसमें समा जाना, ठीक है? जब भी तो कहा समावेशन यौगिक। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? हम डेफिनेशन लिखेंगे, जब किसी कंपाउंड के क्रिस्टल लैटिस में यानी क्रिस्टल जालक में डेफिनेट स्पेस एंड साइज के वैकेंट स्पेसेस होते हैं, मतलब एक निश्चित आकृति और आकार की खाली जगहें होती हैं किसी किसी भी कंपाउंड के क्रिस्टल लैटिस में, तथा इन वैकेंट स्पेसेस में दूसरे प्रकार के मॉलिक्यूल आकर भर जाते हैं। बताओ समझ में आ रही क्या बात? मतलब पहला जो कंपाउंड है उसका जब हमने क्रिस्टल लैटिस देखा, तो उसके क्रिस्टल लैटिस में एक डेफिनेट शेप और साइज की बहुत सारी वैकेंट स्पेसेस थी, खाली जगहें थी या रिक्त स्थान कह दो, और उन रिक्त स्थानों में किसी दूसरे तरह के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लेते हैं, फंसा लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, जब किसी कंपाउंड के क्रिस्टल लैटिस में डेफिनेट शेप
एंड साइज के वैकेंट स्पेसेस होते हैं तथा इन वैकेंट स्पेसेस में दूसरे प्रकार के मॉलिक्यूल आकर भर जाते हैं, तो ऐसे बनने वाले कंपाउंड को इंक्लूजन कंपाउंड्स कहते हैं। तो इंक्लूजन कंपाउंड में दो टाइप के कंपाउंड होते हैं, एक तो मेन कंपाउंड जिसके वैकेंट स्पेसेस में दूसरा कंपाउंड आके घुसेगा, और दूसरा होता है वो जो इंसर्ट होगा, जो इंक्लूड होगा, जिसका समावेशन होगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कक्षा, मान लो आप जो है बीएससी फर्स्ट सेम में हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, और आपकी क्लास में बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं। ठीक है, सर ने एक एक का अंतर रख के बीच में फिर आपको बिठाया, और उन खाली जगहों में उन्होंने किसी दूसरे सेक्शन के बच्चों को बिठा दिया कि जहां भी खाली जगह है वहां आप आके बैठ जाओ। तो आपकी क्लास क्या थी, बीएससी फर्स्ट सेम का मान लो सेक्शन ए था, और आपकी क्लास में बहुत सारी जगह खाली पड़ी हुई है, और उस जगह में उन्होंने सेक्शन बी के बच्चों को आके बिठा दिया। तो बिल्कुल आप तो सब जो है कंपाउंड ए के एटम्स हैं, और आपके बीच में जो खाली जगह पड़ी हुई है उसमें जो दूसरे सेक्शन के बच्चे आकर बैठे हैं वे सब कंपाउंड बी के एटम्स हैं। इस तरीके से क्या होता है, इंक्लूजन कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, आया ना समझ में। अब देखो, ऐसे कंपाउंड्स में मेन कंपाउंड तथा स्थान ग्रहण करने वाले मॉलिक्यूल के बीच कोई बॉन्ड नहीं होता है। जो आपका मुख्य कंपाउंड है जिसके वैकेंट स्पेसेस में सेकंड कंपाउंड आके अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उस पहले कंपाउंड और बाद वाले कंपाउंड के बीच में किसी भी तरह का केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है, किसी भी तरह का केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है। उन्हें केवल वंडरवाल्स फोर्स ही पकड़े रहते हैं। तो केवल वंडरवाल फोर्स ही वो हैं जो उन्हें पकड़े रखते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो किसी भी तरह का केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, मतलब जिस कंपाउंड में बहुत सारी खाली जगह है उस कंपाउंड के बीच और जो कंपाउंड खाली जगह में आकर अपने आप को सेट कर लेता है, उन दोनों कंपाउंड्स के बीच कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। ठीक है, इनके बीच तो सिर्फ वीक वंडरवाल बॉन्ड ही काम करता है। वंडरवाल फोर्सेस एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इसका भी, कि ऐसे कंपाउंड्स में मेन कंपाउंड कौन सा है जिसमें बहुत सारे वैकेंट स्पेसेस हैं तथा स्थान ग्रहण वाले करने वाले मॉलिक्यूल के बीच कोई बॉन्ड नहीं होता है, उन्हें केवल वंडरवाल फोर्सेस ही पकड़े रहते हैं। अब हम एग्जांपल देखेंगे इसके, एग्जांपल ग्रेफाइट इसका एग्जांपल है, क्लोरीन तथा एल्कली मेटल्स के साथ सैंडविच टाइप का इंक्लूजन कंपाउंड बनाता है। यानी ग्रेफाइट तो हुआ मेन कंपाउंड, इसमें कार्बन कार्बन के बहुत सारे एटम जुड़े होते हैं ना, तो उस ग्रेफाइट के जब क्रिस्टल लैटिस को आप देखोगे, यानी क्रिस्टलीय संरचना को देखोगे, तो उसके बीच में जो खाली जगहें बहुत सारी पड़ी होंगी उनमें या तो क्लोरीन के एटम्स अपने आप को एडजस्ट करेंगे या फिर एल्कली मेटल्स यानी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स अपने आप को एडजस्ट करेंगे। समझ रहे ना आप? तो इस तरीके से ये ग्रेफाइट में चाहे क्लोरीन ने अपने आप को फंसा रखा हो या फिर ग्रेफाइट में एल्कली मेटल्स में से किसी मेटल ने जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम ने अपने आप को फंसा रखा हो, तो इस तरह के इंक्लूजन कंपाउंड को हम कहते हैं सैंडविच टाइप इंक्लूजन कंपाउंड। तो एक तो एग्जांपल ये ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट में क्लोरीन या ग्रेफाइट में एल्कली मेटल्स। दूसरा आप एग्जांपल ध्यान रख सकते हो क्लोरिक एसिड स्टार्च आयोडीन का ब्लू कलर। एक तो क्लोरिक एसिड का मतलब होता है कि एसिड के अंदर क्लोरीन को घुसा देना, एसिड के किसी वैकेंट स्पेसेस में क्लोरीन को इंक्लूड कर देना, वो होता है क्लोरिक एसिड। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने सुना होगा। ठीक है, अच्छा, स्टार्च आयोडीन का ब्लू कलर, जब स्टार्च और आयोडीन आपस में रिएक्शन करते हैं तो स्टार्च के जो वैकेंट स्पेसेस होते हैं, खाली जगह स्टार्च में जो होती है उसमें आयोडीन के मॉलिक्यूल अपने आप को फंसा लेते हैं, और जब स्टार्च के अंदर आयोडीन के मॉलिक्यूल फंस जाते हैं तभी कलर ब्लू आता है,
यदि स्टार्च हमारे पास इम्प्योर है ना, मान लो अशुद्ध स्टार्च है हमारे पास, अशुद्ध का मतलब उसके वैकेंट स्पेसेस में पहले ही कोई फंसा पड़ा है, उसके पास खाली जगह है नहीं, सारी सीटें फुल हैं, तो उसका यदि आप आयोडीन के साथ रिएक्शन कराओगे ना, तो आयोडीन को उसके कहीं भी खाली जगह मिलेगी ही नहीं, वैकेंट स्पेसेस मिलेंगे ही नहीं, रिक्त स्थान मिलेंगे नहीं, तो आयोडीन कहाँ फंसाएगा अपने आप को? कहीं भी नहीं फंसा सकता। और जब आयोडीन नहीं फंसा सकता तो इम्प्योर स्टार्च का जब आयोडीन से रिएक्शन कराएंगे तो ब्लू कलर नहीं आएगा। ये जो स्टार्च ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है ना, वो सिर्फ तभी होता है जब स्टार्च के जो वैकेंट स्पेसेस हैं उनमें आयोडीन के मॉलिक्यूल अपने आप को फंसा लेते हैं। यूरिया एंड एन एल्केन कॉम्प्लेक्स, यूरिया में यदि नॉर्मल एल्केन अपने आप को फंसा लेगा तो भी ये एक इंक्लूजन कंपाउंड ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद अगली बात करते हैं, देखो एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज होने वाला नॉर्मल इंक्लूजन कंपाउंड स्टार्च आयोडीन कंपाउंड है, तो स्टार्च आयोडीन कंपाउंड का हम यूज करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। ध्यान रखना, इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में, यानी विश्लेषक विश्लेषण रसायन में या विश्लेषक रसायन में कौन सा इंक्लूजन कंपाउंड यूज किया जाता है, तो आप बताना कौन सा? स्टार्च आयोडीन कंपाउंड। इम्प्योर स्टार्च आयोडीन के साथ नीला रंग नहीं देता। देखो अभी बताई थी ना मैंने बात, जो इम्प्योर माने अशुद्ध स्टार्च है तो इसका मतलब उसके अंदर जो वैकेंट स्पेसेस था उसमें पहले से ही कुछ फंसा पड़ा है, तो वो आयोडीन के साथ कभी भी ब्लू कलर नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड्स। इंक्लूजन कंपाउंड कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा इंक्लूजन कंपाउंड के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, यानी टिप्पणी। यूजेस ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड्स में सबसे पहली बात करेंगे हम रिजोल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स। रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट को अलग अलग कर देना, किसी मिश्रण में से उसके अवयवों को अलग अलग कर देना, इसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ मिक्सचर। अब इसके यहाँ दो एग्जाम्पल हैं रिजोल्यूशन ऑफ मिक्सचर के, ध्यान से समझना, आपके समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से। इंक्लूजन कंपाउंड का, जैसे यूरिया के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाकर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स तथा सिस एंड ट्रांस आइसोमर का सेपरेशन किया जा सकता है। अभी समझ में नहीं आया, अब आएगा समझ में, ध्यान से देखना। मान लो आपके पास एक तो सैचुरेटेड फैटी एसिड है और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, मान लो दोनों तरह के फैटी एसिड सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, दोनों का मिक्सचर आपको दे दिया बना के और आपको कहा कि इसमें से सैचुरेटेड फैटी एसिड तो अलग कर दो और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अलग कर दो, तो दोनों को अलग करने के लिए आप क्या करोगे? यूरिया के साथ उसका रिएक्शन कराओगे। अब यूरिया या तो सैचुरेटेड फैटी एसिड को अपने रिक्त स्थानों में घुसने की परमिशन देगा और या फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को अपने रिक्त स्थानों में घुसने की परमिशन देगा, तो इन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में से कोई सा एक टाइप का फैटी एसिड यूरिया के वैकेंट स्पेसेस में अपने आप को घुसा के एडजस्ट कर लेगा और इंक्लूजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोई सा एक इनमें से इस काबिल नहीं होगा, साइज बड़ा होगा ना उसका, इसलिए भाई जिसका साइज छोटा है वही तो खाली जगह में अपने आप को घुसा सकता है, फंसा सकता है, और जिसका साइज ही बड़ा है, मान लो मैं आपको यूं कह दूं कि मान लो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड का साइज बड़ा है तो वो कैसे घुसाएगा? छोटे छोटे रिक्त स्थानों में, वैकेंट स्पेसेस में अपने आप को, तो वो तो रह जाएगा बेचारा लाचार बेचारा, ठीक है, वो तो बाहर ही रह गया, और अनसेचुरेटेड ने अपने आप को घुसा दिया यूरिया की खाली जगहों में, तो बताओ सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को आपने विद द हेल्प ऑफ यूरिया सेपरेट नहीं कर दिया क्या? कर दिया ना सेपरेट। और बिल्कुल ऐसा ही होता है यहाँ, यूरिया की हेल्प से, क्योंकि यूरिया में वैकेंट स्पेसेस होते हैं, यूरिया के क्रिस्टल को यदि देखा जाए, यूरिया की हेल्प से आप सिस एंड ट्रांस आइसोमर का सेपरेशन भी कर सकते हो। मान लो किसी कंपाउंड में सिस आइसोमर भी है और ट्रांस भी है और दोनों का मिक्सचर आपको दे दिया गया और आपको पूछा गया कि सिस और ट्रांस अलग कर दो,
तो आप उसका रिएक्शन वो जो मिक्सचर दिया ना यूरिया के साथ करा दो, तो या तो सिस वाला उसके अंदर घुस जाएगा उसके छिद्रों के अंदर, ठीक है, और या तो ट्रांस वाला घुस जाएगा। यदि सिस वाला ट्रांस वाला दोनों में से कोई सा एक घुसा तो एक तो यूरिया के अंदर अपने आप को इंक्लूड करके अलग हो गया और एक बेचारा अकेला रह गया। तो बताओ सिस और ट्रांस का सेपरेशन कर दोगे नहीं आप विद द हेल्प ऑफ यूरिया बाय द फॉर्मेशन ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड ऑफ यूरिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये भी समझ में आ जाएगा आपके। बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन को थायो यूरिया की हेल्प से सेपरेट किया जा सकता है, मतलब यदि बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का मिक्सचर है आपके पास और आप उन्हें सेपरेट करना चाहते हो, उनका रिजोल्यूशन करना चाहते हो, तो आप थायो यूरिया का इस्तेमाल करो, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन थायो यूरिया के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। बेंजीन यूरिया के अंदर नहीं घुसेगा जबकि साइक्लोहेक्सेन यूरिया के अंदर घुस जाएगा, यूरिया के जितने भी वैकेंट स्पेसेस हैं थायो यूरिया के उनके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो बताओ आप बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन को सेपरेट नहीं कर दोगे क्या विद द हेल्प ऑफ थायो यूरिया, ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड, ठीक है। अब हम इसका एक और यूज देखते हैं, स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। मान लो आपके पास कोई कंपाउंड ऐसा है जो यदि फ्री छोड़ दिया जाए तो वो अपनी अवस्था में नहीं रहता, उसकी अवस्था बदल जाती है या उसका रूप बदल जाता है, तो आप उस कंपाउंड को या उस सब्सटेंस को किसी भी दूसरे सब्सटेंस के रिक्त स्थान में घुसा के रख दो तो उसका कुछ नहीं बिगड़ने का। देखो स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, इंक्लूजन कंपाउंड्स, इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाकर बहुत से कंपाउंड का लंबे समय के लिए प्रोटेक्शन किया जा सकता है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो, यूरिया के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाकर फॉलिक एसिड के सेल्फ ऑक्सीडेशन को रोका जा सकता है। तो हमारा जो ऑलिक एसिड होता है उसमें प्रॉब्लम यह है कि ऑलिक एसिड को यदि आप खुला रख दोगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा एटमोस्फेयर की ऑक्सीजन से और उसका क्या हो जाएगा सेल्फ ऑक्सीडेशन। अब किसी तरीके से आप ऑलिक एसिड को ऐसी जगह रखो जहां ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन कर ही ना सके, तो आप यूरिया के साथ ऑलिक एसिड का रिएक्शन कराओगे ना, तो ऑलिक एसिड यूरिया के जो वैकेंट स्पेसेस हैं, रिक्तियां हैं, खाली जगह हैं, छिद्र हैं, उनमें घुस जाएगा ऑलिक एसिड और घुस के अपने आप को बिल्कुल सेट कर देगा। तो अब ऑलिक एसिड का क्या होगा, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में वो नहीं आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपने बरसात के दिनों में बिस्किट के पैकेट तो खोल लिए, अब मम्मी आपकी कह रही है कि अब बिस्किट के पैकेट आपने खोल लिए और खाए हैं नहीं, तो ये सारे बिस्किट क्या होते हैं नमी में सील जाते हैं, हो जाते हैं ना, नमी आ जाती है ना उनमें, फिर वे कुरकुरे नहीं रहते, करारे नहीं रहते हैं। तो मम्मी उन्हें कैसे डब्बों में रखती हैं, एयर टाइट डब्बों में, ऐसे डब्बों में रखती हैं जहां हवा अंदर ना जा सके, और जो हम खाने पीने का सामान होता है चाहे वो दाल है चाहे वो मसाले हैं चाहे नमक है मिर्च है, जितना भी आपका रसोई का किचन का खाने पीने का सामान होता है चाहे वो चीनी है चाहे वो नमक है, उन सबको ऐसे डब्बों में रखना चाहिए जहां वे हवा के संपर्क में ना आ सकें। तो अब ऑलिक एसिड के लिए हम कहां से ऐसी व्यवस्था करें, ऑलिक एसिड को किसी भी डब्बे में आपने रखा तो वहां थोड़ी बहुत ही तो हवा होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप 0% बिल्कुल 100% उसमें ऐसा कर दो कि हवा हो ही ना बिल्कुल भी, एयर थोड़ी बहुत ही तो रहेगी। तो ऑलिक एसिड का रिएक्शन आप यूरिया के साथ करा दो और यूरिया के साथ करा के क्या होगा कि ऑलिक एसिड का एक एक मॉलिक्यूल एक एक रिक्त स्थान में एक एक वैकेंसी में एक एक वैकेंट स्पेस में एक एक छिद्र में अपने आप को फंसा लेगा बिल्कुल बुरी तरीके से, और फंसाने के बाद क्या होगा वहां हवा नहीं लगेगी, आ रहा ना समझ में, तो उसका ऑलिक एसिड का सेल्फ ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो बेटे ये थे इंक्लूजन कंपाउंड, कुछ लोग इन्हें ऑक्लूजन कंपाउंड भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना कभी इस नाम से आ जाए, और हिंदी में कहते हैं समावेशन यौगिक। इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, ठीक है,
बस आज हम इतनी पढ़ाई करेंगे, कल को हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, आज हमें इतना ही डिस्कस करना था बस, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय।